बिलासपुर जिला में कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मामले सामने आने के बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है, मगर उनके ब्लड सैंपल लेने और भेजने की विधि से अनजान अस्पताल के स्टाफ को सारी प्रक्रिया से अवगत करवाने के मकसद से बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें CMO डॉक्टर प्रकाश धरोच तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने भाग लिया और इस मौके पर समस्त डॉक्टर्स मौजूद रहे। अस्पताल के स्टाफ व अन्य सदस्यों ने भी कोरोना वायरस के मरीजों की जांच के संबंध में पूरी जानकारी हासिल की। मॉक ड्रिल में जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी परविंदर सिंह ने बताया कि 21 मार्च को जिले से कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मामले सामने आए थे, जो कि विदेश से यहां पहुंचे थे। उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी, ऐसे में COVID-19 के संदिग्ध मरीजों को 108 एम्बुलेंस के जरिए किस अस्पताल में लेकर जाना है और उनके सैंपल कहाँ लेने हैं और कैसे भिजवाने हैं, इसकी पूरी जानकारी समस्त स्टाफ को दी गई। खुद को वायरस से कैसे बचाए हैं और आने वाले समय में अस्पताल वाले कोरोना वायरस के मरीजों का निसंकोच ट्रीटमेंट कर सकें और बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाए जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। डॉक्टर परविंदर ने जिला से पहुंचे कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आगामी 48 घंटे में आने की बात कही। मॉक ड्रिल इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स का आउटब्रेक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो अभी सारे स्टाफ को हैंडल करने के लिए थोड़ी एप्रीहेंशन थी। तो आज मॉक ड्रिल में इनको ये बताया गया है कि कोई पेशेंट आया है, उसको कैसे अंदर लेके आना है, कैसे उसको हैंडल करना है, फिर उसका सैंपल कैसे लेना है, वो सैंपल भर के कैसे भेजना है, ताकि इनके मन में जो शंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएं। और आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसे मरीज या ऐसे सस्पेक्ट आते हैं तो हम उनका बड़े अच्छे तरीके से केयर करें। सर, जिला अस्पताल में कितने केसेस कोरोना वायरस को लेकर संदिग्ध आए हैं और कितने की रिपोर्ट आ गई, क्या कहने चाहिए सर? इनमें दो बातें हैं, हमारे पास दो मरीज आए थे अभी तक, वो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि उनको कोरोना वायरस के ये बीमारी है। अभी रिपोर्ट आएगी, एक का हमने सैंपल भेज दिया, उसकी रिपोर्ट होपफुली आज आ जाएगी, एक का हम आज सैंपल लेंगे और उसकी कल तक आ जाएगी रिपोर्ट। पर अभी तक कोई नेगेटिव पॉजिटिव जब तक रिपोर्ट नहीं आते तब तक हम बोल नहीं सकते। जी सर, जो पेशेंट आए हैं उनको यहाँ पर बिलासपुर में रखा गया है, कहीं और शिफ्ट किए क्या है? हाँ, जिन लोगों को भी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जब तक उनकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है उनको यहीं रखा जाएगा, और अभी तक दोनों यहीं पे हैं बिलासपुर।